हाथ छोड़िए, कुछ नहीं होगा, हाथ छोड़िए। इसमें आपको लास्ट में ले चलूंगा, पहले आपको कैफेटेरिया दिखा देता हूँ मैं। देखिए इधर कैसे जाने का भैया, इधर आगे से ऊपर जाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं बेली रोड के पास आया हूँ और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कुछ नया चीज़ खुला है, जिसका सिर्फ तीन ही ब्रांच है इंडिया में, एक दिल्ली में है और एक पटना में, बिहार में पहला खुला है और पुणे में है। तो चलिए मैं वो दिखाता हूँ कौन सा है, क्या हम लोग कहाँ पर आए हुए हैं। तो यही है गाइस वो क्रेजी टेम्पोरियन पार्क, इसी में हम लोग जाने वाले हैं। कल ही इसका उद्घाटन हुआ है, देख लीजिए, अंदर चलते हैं देखते हैं कैसा है। यहाँ देखिए गार्ड साहब भी बैठे हुए हैं, लगे हुए पबजी में लगता है। और यहाँ पर कैफेटेरिया को मिलेगा खाने के लिए, और मेन तो हम लोग अंदर जाना है। देखिए कल इसका उद्घाटन हुआ है। तो गाइस यहाँ पर पहले आपको एंट्री पास लेना पड़ता है, बैंड देख लीजिए। एंट्री पास का क्या हुआ? एंट्री पास पर पर्सन का 1 आवर 490 है। अच्छा, एडल्ट्स के लिए, सॉफ्ट प्ले के लिए आपको 400 पर आवर। और ये वाला जो एडवेंचर है मिक्स है सर, 590 है। अच्छा, कॉम्बो के लिए। और टाइम वगैरह क्या है इसका, मतलब पर आवर 1 आवर 490 एडल्ट्स के लिए है, टेम्पोलिन के लिए, सॉफ्ट प्ले आपको 400 है, एंड टेम्पोलिन के लिए सॉफ्ट प्ले जो पूरी एरिया मिलेंगे आपको 590। ये पार्टी के लिए है जी, एंट्री पास। अच्छा, ये देख लीजिएगा सबका पास बिल्कुल अलग अलग बना हुआ है। तो मतलब ये अगर नहीं लेंगे तो मेरे को नहीं मिलेगा उसमें जाने के लिए। अच्छा, ये रिसेप्शन है गाइस, यहीं पर से आपको पास वगैरह मिलता है, देख लीजिए। अब बिना पास का आपको नहीं अलाउ मिलने वाला है, मतलब अलाउ मिल जाएगा, पास लेकर ही जाना है अंदर, वहाँ से मतलब आपका कटवाइए अपना चार्ज। ये कैफेटेरिया है खाने के लिए, इसमें आपको लास्ट में ले चलूँगा, पहले आपको कैफेटेरिया दिखा देता हूँ मैं, देख लीजिए। वाह, ये खाने वगैरह के लिए एकदम मदोस के चेयर भी लगा हुआ है। और क्या मिलेगा यहाँ पर देख लीजिए, मेनू वगैरह है, देख लीजिए। स्टार्टिंग किया आपको, मतलब खेलिए कूदिए इंजॉय भी करिए, खाइए भी, ये तो बहुत अच्छा बंदोबस्त किया गया है। नॉनवेज वेज दोनों मिला क्या यहाँ पर? दोनों मिल रहा है, वेज नॉनवेज गाय दोनों को मिलने वाला, देख लीजिए। चिकन वाले हैं तो यहाँ पर खास कर चिकन का भी आइटम है। पेमेंट कीजिए, सेल्फ सर्विस है और बैठिए खाइए। अच्छा, और पास अलग बोल रहे हैं तो सबका पास अलग से लेना पड़ता है? हाँ, सब अलग से, मतलब इसमें अगर उसका पास लेना पड़ेगा ना। तो ये था गाइस यहाँ के कैफेटेरिया और रिसेप्शन, मैंने दोनों दिखा दिया, पास पहले आपको लेना पड़ता है। अब मैं चलता हूँ आपको मेन जगह पहले, जहाँ कूदने जंपिंग वाला सब पूरा बनाया गया है, देखते हैं कैसा है। देखिए गाइस ये जो है इसका टाइम लिमिट भी है, 12 बजे लिख दिया गया है, 11 बजे आए हैं, तो 1 घंटे से ज़्यादा होगा तो आप लोग खोल सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, लेकिन आपको अलग से चार्ज लग जाएगा। अच्छा, देखिए अंदर आ चुके हम लोग फाइनली, पूरा एकदम लाइट से तो जगमगा रहा है, और इतनी गर्मी आपको लगने वाला है, एसी वगैरह पूरा बंदोबस्त किया गया, देख लीजिए आपको आवाज़ आ रहा होगा। और ये क्या भैया, शूज़ वगैरह यहाँ रखा हुआ है, मतलब शूज़ खोल कर जाना है अंदर? गाइस यहाँ पर आपको शूज़ खोल कर जाना है, देख लीजिए यहाँ पर शूज़ अपना रख दीजिए। तो भैया अगर बहुत ज़्यादा लोग अगर गैदर हो गए तो फिर शूज़ का क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा लोग साइड में रख सकते हैं, ज़्यादा वगैरह हो गया तो ना। और भैया अगर कैरी बैग वगैरह रखना हो तो उसके लिए लगेज अभी बन रहा है ना, कैरी बैग के लिए गाइस अलग से ये बन रहा है अभी, तो फिलहाल शूज़ के लिए बना है, बिल्कुल नया खुला, एक ही दिन हुआ है। और देख लीजिए यहाँ पर गाइड वगैरह क्या क्या आपको नहीं कर सकते, क्या कर सकते, यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट वेयर शूज़ और कैजुअल सॉक्स, तो आपको कैजुअल सॉक्स यहाँ पर नहीं खरीदना है। कैजुअल सॉक्स में क्या मतलब, जो आप नॉर्मल सॉक्स पहनते हैं वो नहीं पहनना है, तो सॉक्स लेना पड़ेगा। करना तो कितना पड़ेगा सॉक्स? 80 रुपीज़। अच्छा, और मतलब खरीद लिए उसके बाद ले जाएंगे या फिर? अच्छा, ले जा सकते हैं वो जब भी आप आएंगे तो लेकर आइए। अच्छा, और नहीं अपना अगर अलग से खरीद के लाए तो क्या, नहीं मतलब यहाँ का एक सॉक्स अलग से है वो आपको? चलिएगा तो चलिए जान गए हम लोग, आपको सॉक्स खरीदना पड़ेगा, तो लोग ऐसा क्यों वो भी जानेंगे, तो ऐसा क्यों है, क्यों है मतलब ये थोड़ा बता दीजिएगा, मतलब सॉक्स क्यों, सॉक्स क्यों जरूरी है? अच्छा, इसमें ग्रिप रहेगा ना, स्लिप है क्या? ये भैया दो अलग अलग है क्या? जी ये बच्चे के लिए है। अच्छा, ये वाला बच्चों के लिए 5 फीट से हाइट कम है, और ये बड़ों के लिए? बड़ों बच्चों के लिए। एज लिमिट भैया क्या होगा, मतलब बच्चों और बड़ों वाले जो है? एज लिमिट सर 10 ईयर, 5 ईयर भी चलेगा, 5 से ऊपर चलेगा, 5 से ऊपर। और ये बड़ा वाला जो बड़ा एकदम सब फ्री ना, सब के लिए? अच्छा,
है तो वो बढ़िया है। तो बच्चों के लिए आपको देखने ही से लग रहा है, बच्चों के लिए, और इसका कोई एज नहीं, एकदम बड़ों के लिए है। और इसमें जाके ही पता चलेगा बड़ों के लिए तो क्या है भाई इसमें। और ये कि भाई क्या इधर आपके लिए बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इवेंट एरिया है। अच्छा इवेंट एरिया है, इसका भी कोई चार्ज रखा गया है? इसका चार्ज सर इंक्लूड है। इंक्लूड है। इसका कहाँ कहाँ ब्रांच है? एक गुड़गांव में, एक पुणे में और एक पटना में। ये मतलब तीसरा यहाँ पर भी खुला है ना? पूरा इंडिया में तीसरा, पूरा इंडिया में तीसरा ब्रांच है, देख लीजिएगा, पूरे इंडिया में तीसरा ब्रांच है। बिहार में पहला ही है, बिहार में पहला है ना। तो गाइस ये है बिल, और किस चीज़ का बिल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वो सॉक्स है, और सॉक्स देखिए कैसा है, ग्रिप देख रहे हैं, इसलिए भैया ने बोला कि नहीं आप लोग बाहर से नहीं ला सकते हो। अब मेरे को समझ में आ गया, देख लीजिए कैसा इसमें ग्रिप बना हुआ है। अब वो तो इसमें जाके ही पता चलेगा भाई ऐसा क्यों सॉक्स लिया गया है, देख लिया ग्रिप चोट ना लगे इसलिए। तो चलिए गाइस ऊपर चलते हैं, देखते हैं भाई क्या यहाँ पर इन्जॉय करने के लिए है। थोड़ा भैया हम लोग को दिखाइए भी। ओ माय गॉड ये क्या है भाई, आवाज़ आपको थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा, एसी वगैरह चल रहा है इसका। ये क्या भैया? ये सर स्टाइल जंपिंग। अच्छा इसमें जंपिंग के लिए है ये जंपिंग वाला गाइस। सब मैं ट्राई भी करूँगा, पहले देख लेते हैं क्या क्या। और ये दोनों साइड से, अच्छा दो लोग रहेंगे और झगड़ा करेंगे जो पहले गिर। चोट वगैरह इसमें कोई लगने वाला नहीं ना भैया? अच्छा चोट नहीं लगेगा, देख लीजिए। और क्या देखते हैं, चलिए ये तो बड़ा मज़ेदार है, मैं लास्ट में कोई इन्जॉय करूँगा तो कोई दिखाऊँगा। ये स्टंट वेल के जो तो अच्छा अच्छा हाँ वो है, वो नहीं करेंगे ना, चोट लगने का फिर देख लीजिएगा। तो बहुत कुछ है यहाँ पर। और ये भैया ये क्लाइंबिंग है। अच्छा ये क्लाइंबिंग, ओ क्लाइंबिंग है यहाँ पर, देखिए वॉल क्लाइंबिंग है साइड में। और ये भी शायद उछलने के लिए ना, ये सुपर जंप है। सुपर जंप ज़्यादा उछलेगा क्या? अच्छा ये देखिए सुपर जंप है गाइस। और ये भैया अच्छा जंप करके क्रॉस करना है ना, वाह ये तो बड़े मजा आ रहा है। जंप करना और सर सर को बचाना ऊपर से। अच्छा इस पे चढ़ के क्रॉस करना है, एक पैर इसमें एक पैर उसमें, उसके बाद फिर आगे, फिर वो ऊपर हाथ से पकड़ने, नीचे से पैर है, उस पे गिरना नहीं आपको ना? गिरना है, गिर सकते हैं, मतलब एंजॉय वाला हो गया ना, गिरेगा चोट नहीं लगेगा। और वो उस पे भी क्रॉस करना है। अच्छा वो रोलिंग करेगा ना, देख लीजिएगा तो बड़ा मजा आने वाला है भाई। ये क्या स्टार्टिंग को रहेगा क्या, डायरेक्ट वहीं से जा सकते हैं? इधर भी जा सकते हैं, कहीं से जा सकते हैं ना, अपना एंजॉय करिए, पैसा दिए एंजॉय करिए ना। मतलब पैसा देने का ऐसा नहीं कि आप बोलिए नहीं आपको वहाँ जाना यहाँ जाना, अपने जिसमें जाइए ना आप, इधर सारा एरिया आपके लिए आपका कवर हो गया। और ये जंपिंग बास्केटबॉल है ना, ये देखिएगा जब जंप करते हो बास्केटिंग करिए भाई, जिसको आता हो तो बास्केटिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है भाई। इसका कितना चार्ज है? 499। और बच्चों वाला 400। अच्छा तो मेरे को तो गाइस बहुत ही मजा आया, लेकिन मैं फिर से बता दूं आप कुछ भी पहने हो, घड़ी वगैरह कुछ भी, तो आपको पहले ही उतार देना पड़ेगा, ऐसे आपको नहीं अलाउ मिलने वाला। भैया बोले क्या फ्रेंड्स, मेरे को तो नहीं लगता है पैर को सीधा रख के जाना है, इसको पार के जाना है भैया, पकड़ के जाना, बोलो रोलर पैर सीधा कीजिए, पैर सीधा कीजिए, पैर सीधा, पैर सीधा, ये बार गिर गया, डर के तो रहना है भाई। एक घंटा भैया मतलब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद निकल जाना, पता चला इसमें आधा घंटा भी दिया, तो एक घंटे के लिए एक घंटे ये तो बहुत मजेदार है, देख लिया चैलेंज वगैरह आप लोग कर सकते हैं और बना सकते हैं। फिर आपको उस पर पैर रखना, फिर उस पर
आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं, देखने में लग रहा था कि क्रॉस करना है। अरे भैया अरे भैया तो ये बास्केटबॉल है गाइस, इसमें मैं ट्राई करता हूँ उछल के आपको बास्केट करना है वहाँ पर, जिनको आता है वो कर पाएंगे। यहाँ पर आके मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, पैसा हो गया बिल्कुल वसूल। शुरू में तो मेरे को लगा था क्या होगा यार, कूदने का दे दिया, कुछ होने वाला नहीं है, बट आया तो भाई बहुत मजा आया। 500 रुपये या 400 रुपये 800 रुपये तो वो भी लगता है मेरे को कम, बहुत कम ही है, बहुत मजा आया आपको। एक घंटा से नहीं होने वाला है, 2-3 घंटे यहाँ पर रहिएगा, बहुत मजा आपको आएगा। आज बड़ों वाला बच्चों आपको दिखा देता हूँ, बच्चा तो मैं करने वाला नहीं, वही से आपको दिखा देता हूँ। अच्छा 5 मिनट से कम होना चाहिए ना, यहीं से देखिएगा डायरेक्ट बच्चों को एंट्री होगा। और यहाँ पे कोई रहेंगे गाइड करने के लिए, ऐसे छोड़ दिया जाएगा, रहेंगे ना गाइड करने के लिए, गाइड रहेंगे। देख लीजिए बच्चों के लिए, मैं अंदर जाओ कैसे यार, ये नहीं समझ में आ रहा। और इसका कैसे एंट्री होगा भैया, आगे से है? अच्छा अंदर से देखते हैं। ये देखिए थोड़ा झुक कर जाना पड़ेगा, हम लोग बच्चे हैं नहीं। ये देखिए बच्चों के लिए, ये क्या भैया, ये निकलता है बॉल ऊपर जाता है। अच्छा वाह, ये देखिए गिर जाएगा बॉल ऊपर उछलेगा। ये देखिए गाइस ना, ऊपर से आने के लिए रोलिंग वाला, तो वाटर पार्क में आपने देखा होगा, ये बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही रोलेगी, देख रहे हैं पूरा रोल करा दिया भाई उधर से इसका। और ये चढ़ने के लिए जो हम लोग अभी थे, मैं चढ़ा था, ये बच्चों वाला है। इसका स्पीड ही बढ़ता है क्या भैया, इतना ही रहता है? बॉल इसमें डालते जाएंगे ऊपर जाएगा ना, देखिएगा बॉल डाल दीजिए। अच्छा तो ये भैया स्टार्ट रहता है कि फिर बंद कर दिया जाता है? खुला ही रहता है ना, खुला रहता है इसका। देखिए इधर कैसे जाने का भैया, इधर आगे से ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा देखिएगा इधर को जाना है तो ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, और चढ़ पाए कि नहीं इधर आ जाइए। अच्छा इधर से रास्ता है, देखिए भूल भुलैया है भाई, नीचे से झुक कर जाना पड़ेगा आपको। बच्चे के लिए फ्री स्टाइल जंप है, ये देखिए बच्चों के लिए गाइस झुक कर आ गए, ये बच्चों के लिए फ्री स्टाइल जंप के लिए, ये भी अच्छा है। इसमें आपको नहीं चोट लगने में, देख लेते हैं, देखिए फ्री, बड़ा मजा आने वाला है भाई। मेरे को उसमें मजा आया पता है, इसमें तो बहुत मजा आया, तो बच्चों के लिए पूरा एंजॉय करने वाले हैं। चढ़ के ऊपर जाने के लिए, अच्छा चढ़ के ऊपर जाने के लिए, स्लाइड करने के लिए जाने के लिए। अच्छा इसमें मतलब चढ़ जाइए फिर उधर जाइए, इधर जाइए अपना निकल जाइए ना, इसमें कैसे चढ़े? अच्छा देखिएगा इस पर आराम से चढ़ जाइए, बच्चों के लिए ज़्यादा नहीं लगेगा। अब सर को बचा कर अच्छा ये देखिए इस पर जाना है, अंदर जाइए और उस तरफ चल जाइए, बच्चों के लिए है और इधर से भी है, और ऊपर भी चढ़ सकते हैं ना। देखिए तो ऊपर चढ़ गए आप, चढ़ सकते हैं इधर से ऊपर चढ़ने के लिए है, ऊपर चढ़ के जाइए अपना स्लाइड करके, फिर हम लोग बोले स्लाइड कैसे जाना है, उधर स्लाइड करके जाने का। तो इसके अंदर का जब एक बार जाइएगा तो पूरा एकदम राउंड बना हुआ है, बुलबुले टाइप का, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत मज़ा आने वाला। ऊपर चढ़ के हम लोग अभी वहाँ पर थे, ऐसा करके यहाँ स्लाइड करके आ जाइएगा, फिर इसके नीचे से आप लोग जाइएगा उस साइड निकल जाइएगा, बहुत ही शानदार है, मज़ा आ गया भाई देखकर, मज़ा आ गया। तो बच्चों को बहुत मज़ा एंजॉय करने वाले हैं, मेरे को तो बहुत ही गाइस मज़ा आ गया भाई, बड़ों का बच्चों का दोनों में आपको एंजॉय करने वाले हैं। अगर फैमिली वाले कहीं आ रहे हैं तो बच्चों को यहाँ पर आप लोग छोड़ सकते हैं खेलने के लिए,
और अपना जा सकते हैं शॉपिंग करने के लिए, बच्चे यहाँ पर इंजॉय करेंगे, स्पेशली इधर बच्चों के लिए और ये बड़ों के लिए है। तो मेरे को तो बहुत ही मजा आया। तो फाइनली मैं से निकलने वाला कैफेटेरिया भी मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो अगर ये ब्लॉग को अच्छा तो लाइक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।